Good morning class, this is our new pathology class in which today we will study about the next topic of hemodynamic changes, that is disturbance in the flow of blood. इससे पहले हम लोगों ने disturbance in the volume of circulating blood पढ़ा था, अब disturbance in the फ्लो ऑफ सर्क्यूलेटिंग ब्लड नाम का टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म और इन्फार्क्शन. आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थ्रोम्बोसिस पढ़ेंगे. थ्रोम्बोसिस क्या होता है, कोई भी मास जो ब्लड कंस्टिट्यूएंट से बनता है और कहाँ बन रहा है, अनइंटरप्टेड लिविंग सर्कुलेशन में ब्लड कंस्टिट्यूएंट से बनने वाला कोई भी मास या प्लग जो है वो थ्रोम्बोसिस कहलाता है. तो देखिए, नॉर्मल होम्योस्टासिस क्या होता है, ब्लड को फ्लूड स्टेट के अंदर मेंटेन रखने के प्रोसेस को हम नॉर्मल हीमोस्टासिस कहते हैं. ब्लड को फ्लूड में मेंटेन रखने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हीमोस्टासिस. फ्लूड में मेंटेन रखना मतलब क्लॉट फ्री स्टेट में रखना, जिसमें क्लॉट ना बनता हो, इस फॉर्म में, इस स्टेट में ब्लड को रखना. कहाँ पे रखना, नॉर्मल वैस्कुलेचर में. नॉर्मल वैस्कुलेचर मतलब ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर फ्लूड फॉर्म में ब्लड को क्लॉट फ्री स्टेट में मेंटेन रखने के प्रोसेस को हम हीमोस्टासिस कहते हैं. रैपिडली फॉर्मिंग लोकलाइज्ड हीमोस्टैटिक प्लग जो है वो वैस्कुलर इंजरी की साइट पर बनता है. भाई कब बनेगा प्लग, जब कोई इंजरी होगी, ऐसे नॉर्मली तो नहीं बनता. नॉर्मल का जो फ्लूड है ब्लड का वो फ्लो होता रहता है, फ्लूड स्टेट में फ्लो होता रहता है. पर अगर वैस्कुलेचर के अंदर कोई इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी के लिए, उसको इंजरी को ठीक करने के लिए उस एरिया में जो है वो प्लग बनता है. अब पैथोलॉजिक अपोजिट ऑफ हीमोस्टासिस थ्रोम्बोसिस. अब इसी हीमोस्टासिस को जब पैथोलॉजिकली अपोज किया जाता है, पैथोलॉजिकली अपोज करने का मतलब है वो फ्लो चलने नहीं दे रहे हैं, हम उसको लिक्विड स्टेट में रहने नहीं देते, वो क्लॉट फ्री नहीं रह रहा बल्कि उसमें क्लॉट बन जाता है, तो इसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस. तो एनी सॉलिड मास और प्लग फॉर्म फ्रॉम द ब्लड कंस्टिट्यूएंट इन एन अनइंटरप्टेड लिविंग सर्क्यूलेशन इज नोन एज थ्रोम्बोसिस. और ये जो प्लग या सॉलिड मास जो बना है उसको हम थ्रोम्बाई या थ्रोम्बस कहते हैं, और बनने के प्रोसेस को हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं. तो देखिए, ये डायग्राम बताया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा करके अपन देखें. ये ब्लड वेसल है जिसमें एंडोथेलियल लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वहाँ पर आर्ट्रियोल, स्मूथ मसल बताई गई है. यहाँ पर एंडोथेलियम के अंदर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है क्योंकि चीज़ें रिलीज हो रही हैं. रिफ्लेक्स वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाया गया है, और ECM यहाँ पर आ रहा है कोलाजन का. तो देखो, एंडोथेलियम यहाँ पर बीच में जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, इंजरी की साइट बताई गई है. यहाँ बीच में एंडोथेलियम आपको दिखाई नहीं दे रही क्योंकि इस एरिया में क्या हो गया, इंजरी हो गई. तो इंजरी हो गई इसलिए वहाँ पर रिफ्लक्स वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है. दूसरे डायग्राम है, प्राइमरी हीमोस्टासिस दिखाया गया है जिसमें एंडोथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन जहाँ पर इंटरप्ट हुई है, जहाँ इंजरी हुई है वहाँ कोलाजन फाइबर्स वगैरह आ रहे हैं. पहले प्लेटलेट आई, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो गया, वॉन विलब्रंड फैक्टर VWF दिया हुआ है ना, ये वॉन विलब्रंड फैक्टर है. इस फैक्टर के साथ में यहाँ पर प्लेटलेट एग्रीगेट हो गई हैं, शेप चेंज हो गया है, ग्रैन्यूल्स रिलीज हो रहे हैं इस एरिया में, और यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रहा है नई नई सेल्स का, और फिर वो सेल्स जो हैं वो एग्रीगेट हो गई हैं, कोलाजन डिपॉजिट हो गया और हीमोस्टासिस का प्लग बन गया है. फिर सेकेंडरी हीमोस्टासिस स्टार्ट हो रहा है जिसमें टिश्यू फैक्टर का रोल होता है, फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स वहाँ पर आ रहा है, बन रहा है, थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो रहा है, फाइब्रिन पॉलीमराइजेशन हो रहा है, और फिर ये सेकेंडरी क्लॉट बन रहा है. और फोर्थ डायग्राम में आपको थ्रोम्बस और एंटी थ्रोम्बोटिक इवेंट दिखाए गए हैं जिसमें फाइब्रिनोलाइसिस के लिए TPA रिलीज हो रहा है, थ्रोम्बोनोड्यूलिन रिलीज हो रहा है जो कि कोगुलेशन कैस्केड को रोक देता है.
ये पॉलीमराइज्ड फाइब्रिन दिखाया गया है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और न्यूट्रोफिल्स ट्रैप्ड हो जाती हैं, तो इस तरह से थ्रॉम्बस का फॉर्मेशन होता है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। तो थ्रॉम्बोसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास, सॉलिड मास का बनना। कहाँ पे बनना? इन सर्कुलेशन। और कहाँ से बनना? फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोइंग ब्लड। ब्लड फ्लो जो हो रहा है उसी के कंस्टिट्यूएंट से सॉलिड मास का बनना सर्कुलेशन में, विद इंटैक्ट कार्डियोवैस्कुलर ट्री ड्यूरिंग लाइफ। तो ये थ्रोम्बोसिस की डेफिनेशन है कि अनइंटरप्टेड लिविंग सर्कुलेशन के अंदर फ्लोइंग ब्लड के कंस्टिट्यूएंट से सॉलिड मास का बनना क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसिस कहलाता है। रुडोल्फ वर्चो ने ये चीज़ बताई थी, थ्रोम्बोसिस टर्म और एम्बोलिज्म टर्म इन्होंने बताई थी। ये साइंटिस्ट साहब है जिन्होंने थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म टर्म जो है वो कॉइन करी थी। फिर इन्होंने ये वर्चो ट्रायड बताया था, एंडोथेलियल इंजरी होती है जिससे कि हाइपर कोगुलेबिलिटी डेवलप हो जाती है और एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होने लगता है, उसकी वजह से एबनॉर्मल ब्लड फ्लो की वजह से भी हाइपर कोगुलेबिलिटी होती है, और ये तीनों मिलकर के थ्रोम्बोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये वर्चो ट्रायड भी आपको एग्ज़ाम में बनाना है भाई। अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की आप बात करो तो वर्चो ट्रायड के ऊपर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैथो में तो नहीं आगा क्योंकि इतना छोटा क्वेश्चन, आपके 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, 1 या 2 मार्क्स का नहीं, तो इस पर क्वेश्चन आता है वर्चो ट्रायड क्या होता है। तो ये वर्चो ट्रायड में डायग्राम बनाना होता है हमारे को। अब एंडोथेलियल इंजरी कैसे होती है भाई? सबसे बड़ा कारण यही होता है थ्रोम्बस बनने का, हार्ट में और आर्टेरियल सर्कुलेशन में। हार्ट और आर्टेरियल सर्कुलेशन में थ्रोम्बस के बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है? एंडोथेलियल इंजरी। यहाँ पर प्लेटलेट रिच क्लॉट इस एंडोथेलियल इंजरी पर बनता है, और साथ में वहाँ पर इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स, सिगरेट स्मोकिंग के टॉक्सिन्स वगैरह, या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ये सारे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंडोथेलियल इंजरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लेटलेट रिच क्लॉट बनने के लिए भी ये फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। ये ब्लड फ्लो बताया गया, एंडोथेलियल सेल्स, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं जो कि फ्लो हो रही हैं नॉर्मल ब्लड के अंदर, और फिर ये इंजरी वाली साइट पर भी पहुंचेगी। अब अगर ब्लड फ्लो एबनॉर्मल हो जाता है तो टर्बुलेंस और स्टासिस दो कंडीशन देखने मिल रही होती है। टर्बुलेंस में आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाग बनता है। ये लेमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो दिखाया गया भाई। देखो ये एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह में आर्टेरियल थ्रोम्बस हो जाता है तो कैसे टर्बुलेंस फ्लो हो रहा होता है, नॉर्मल फ्लो देखो, और यहाँ पर ये नैरोइंग हो गई है क्योंकि या तो वहाँ पे प्लाग बन गया, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाग। एथेरोस्क्लेरोसिस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ना, सिस्टमिक पैथोलॉजी के अंदर आपने पढ़ लिया ये टॉपिक। या आर्टेरियल थ्रोम्बस बन जाए, कोई क्लॉट वगैरह बन जाए, तब भी ऐसा रुकावट आ जाती है। या स्टासिस में वीनस थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकता है, एओर्टिक एन्यूरिज्म की वजह से हो सकता है, पोस्ट MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद कार्डियक म्यूरल थ्रोम्बाई बन जाती है, या रियोमेटिक माइटल वॉल्व स्टीनोसिस किसी को हो गया हो, या हाइपी पॉलीसाइथीमिया वगैरह जैसी कंडीशन। ये थोड़ा सा बड़ा करके और बड़ा करके देखते हैं डायग्राम को। ये देखो ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस DVT का केस दिखाया गया है, और डायग्राम देखिए आपको चीज़ समझ में आएगी। तो ये जो है वो स्टासिस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल फ्लो हो गया, तो इस तरह से थ्रोम्बस जो है वो बन रहा होता है। थ्रोम्बस के बारे में और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि थ्रोम्बस कहाँ कहाँ पे बनता है, तो आर्टरी, वेन्स और हार्ट, मतलब लिविंग सर्कुलेशन में कहीं पर भी थ्रोम्बस जो है वो बन सकता है। आर्टरी, वेन और हार्ट के अंदर कहीं पर भी बन सकता है। इसके बाद अगर हम टाइप्स देखें थ्रोम्बाई के, तो कलर बेसिस पर हम इसको डिफाइन करते हैं, वाइट थ्रोम्बाई, रेड थ्रोम्बाई और मिक्स्ड थ्रोम्बाई। वाइट, रेड और मिक्स्ड। वाइट जब आर्टेरियल सर्कुलेशन में रुकावट आ जाती है, आर्टेरियल सर्कुलेशन में जब थ्रोम्बाई बनता है तो वो वाइट, पेल वाइट कलर का दिखाई दे रहा होता है, ऑक्लूजन इन द आर्टेरियल फ्लो।
रेड थ्रोम्बाई कहाँ कैसे बनता है? ऑक्लूजन इन द वीनस ड्रेनेज. रेड थ्रोम्बाई कहाँ बनता है? ऑक्लूजन इन द वीनस ड्रेनेज. और मिक्स थ्रोम्बाई हार्ट पे बनता है. अब हार्ट पे भी, हार्ट की लेयर में भी बन सकता है, वॉल पे भी बन सकता है. वॉल पे बनता है तो वॉल्व लीफलेट थ्रोम्बाई कहलाता है, और इसके अलावा कहीं बन रहा है तो म्यूरल थ्रोम्बाई कहलाता है. तो ये हुआ क्लासिफिकेशन. हार्ट में जो थ्रोम्बाई बनता है उसमें आपको बैंड्स दिखता है, रेड और वाइट कलर के अल्टरनेट बैंड्स दिखाई दे रहे होते हैं. इसके बाद फेट ऑफ थ्रोम्बाई, लास्ट टॉपिक सुन लीजिए कि थ्रोम्बाई बनने के बाद उसका आगे क्या होगा. तो पांच इसके फेट होते हैं. सबसे पहला रिजोल्यूशन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा प्रोबागेशन, चौथा रीकैनलाइ, और लास्ट होता है एम्बोलिज्म. ये पांच इसके फेट होते हैं. फेट मतलब भविष्य, आगे क्या होगा थ्रोम्बाई का. तो रिजोल्यूशन का मतलब ठीक हो जाना, थ्रोम्बाई अपने आप ठीक हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है. ऑर्गेनाइजेशन में वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सेल्स वगैरह आकर के इकट्ठी हो जाती हैं, धीरे धीरे वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है. प्रोबागेशन का मतलब होता है स्लो ग्रोथ ऑफ थ्रोम्बाई, उसको प्रोबागेशन कहते हैं, स्लो ग्रोथ ऑफ थ्रोम्बाई. फिर फोर्थ था कैनेलिक्युलाई बनना. तो इसमें क्या हो जाता है, तो ये जो है थ्रोम्बोसिस का आउटकम है, जो प्रोबागेशन मैंने आपको बताया. और कैनेक्युलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जहाँ पर ब्लड वेसल में जहाँ कहीं भी रुकावट आ जाती है, तो उसी के पास बाईपास करती हुई एकदम पतली सी कैपिलरी और बन जाती है, उसको हम कैनेलिक्युलाइजेशन कहते हैं. जैसे बाईपास रास्ता बन जाता है ना, कि अगर एक जगह रुकावट आ गई तो हम यहाँ से घूम करके जा सके, तो वैसे ही एक पतली सी कैपिलरी भी जो है वहाँ पे बन जाती है, उसको हम प्रोबागेशन कहते हैं. और लास्ट आउटकम होते हैं एम्बोलाइजेशन, कि थ्रोम्बाई जो बना है वो अगर अपनी जगह से हिल करके, हट करके, डिटैच्ड होकर के किसी दूसरी जगह पर जा कर के लोकेटेड हो जाता है, तो हम उसको एम्बोलाइजेशन कहते हैं. तो ये पाँच आउटकम है थ्रोम्बोसिस के. इसके बाद देखिए हाइपरकोगुलेबिलिटी, थ्रोम्बोफीलिया जैसे डिसऑर्डर में, या कोई और ब्लड का डिसऑर्डर हो जाए तो वो भी थ्रोम्बोसिस के कारण बन सकता है. हाइपरकोगुलेबल स्टेट जो है वो वीनस थ्रोम्बोसिस से जुड़ी हुई कंडीशन है. अब कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, तो जेनेटिक और एक्वायर्ड दो तरह की कंडीशन हो सकती है. जेनेटिक के अंदर अगर फैक्टर फिफ्थ का म्यूटेशन हो जाए, या एट्थ, नाइन्थ और 11th, या फाइब्रिनोजन जैसे फैक्टर्स का लेवल अगर बढ़ जाता है, तब भी थ्रोम्बोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है पर्सन के अंदर. एक्वायर्ड स्टेट में अगर लंबे समय तक कोई बेड रेस्ट ले रहा है, या इमोबिलाइज है, हिलता डुलता नहीं है, तो उसमें थ्रोम्बस बन सकता है. या कैंसर डिसेमिनेट हो गया हो, फैल गया हो प्रोस्थेटिक कार्डियक वॉल्व की वजह से, या डिसमिनेटेड इंट्रावेस्क्युलर कोएगुलेशन हो जाए, या जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके अंदर भी थ्रोम्बोसिस बनने का खतरा बढ़ जाता है. फिर मैंने आपको बताया कि भाई थ्रोम्बाई तीन टाइप का होता है, आर्ट्रियल, वीनस और कार्डियक. तो इन दोनों में डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई आर्ट्रियल थ्रोम्बाई आर्टरीज और हार्ट में बनता है, जबकि वीनस थ्रोम्बाई वेन्स में बनता है. आर्ट्रियल थ्रोम्बाई एओर्टा, कोरोनरी और सेरेब्रल आर्टरी में मेनली देखने को मिलता है. वीनस थ्रोम्बाई सुपरफिशियल वेरिकोस वेन्स की वजह से, या डीप लेग वेन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है. आर्टरियल थ्रोम्बाई एंडोथेलियल सेल इंजरी से जुड़ा हुआ है, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह की वजह से, वैस्कुलाइटिस या ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, जबकि वीनस थ्रोम्बाई वीनस स्टासिस से होता है. आर्टरियल थ्रोम्बाई म्यूरल हो सकता है, और ये ल्यूमन को ऑक्लूड नहीं करता, क्योंकि वीनस थ्रोम्बाई इनवेरिएबली ऑक्लूजिबल नेचर का होता है. आर्टरियल ग्रे वाइट कलर का होता है, फ्राइबल होता है, जिसमें लाइन ऑफ जॉन दिखाई देती है हार्ट के अंदर. लाइन ऑफ जॉन क्या होती है, अल्टरनेट लाइन दिखाई देती है रेड और वाइट कलर की. जबकि वीनस थ्रोम्बाई रेड ब्लू कलर का होता है, फाइब्रिन स्टेन के साथ में, इसे भी लाइन ऑफ जॉन होती है. आर्टरियल रिट्रोग्रेड
डायरेक्टली मूव ग्रो करता है, जबकि ये ब्लड फ्लो के डायरेक्शन में मूव करता है। रिट्रोग्रेड मतलब उल्टी अपोजिट डायरेक्शन, जहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होता है। और वीनस थ्रोम्बाई तो ब्लड फ्लो के डायरेक्शन में ही ग्रो होता है। आर्टरियल थ्रोम्बाई में प्लेटलेट्स, फाइब्रिन, रेड सेल्स और डीजेनरेटिंग ल्यूकोसाइट्स होती है, जबकि वीनस के अंदर ये आरबीसी और ज़्यादा होती हैं, थोड़ी बहुत प्लेटलेट्स होती है। रेड या स्टासिस थ्रोम्बाई भी इसको अपन कह सकते हैं। अब ये एंटी मॉर्टम थ्रोम्बाई और पोस्ट मॉर्टम क्लॉट में डिफरेंस दे रखा है कि एंटी मॉर्टम थ्रोम्बाई वॉल के चिपका हुआ होता है, रेड कलर का होता है, लाइन ऑफ जॉन इसमें दिखाई देती हैं, जबकि पोस्ट मॉर्टम क्लॉट आप देखोगे तो ये वेसल वॉल के चिपका हुआ नहीं होता है, इसमें फाइब्रिन होता है रेड सेल और ल्यूकोसाइट्स के साथ में, और इनका हैपहैज़र्ड नेटवर्क दिखाई देता है ल्यूकोसाइट्स का, यानी जिलेटिनस नेटवर्क होता है जो कि जिसके ऊपर की लेयर जो है चिकन फैट जैसी दिखाई देती है। इसमें लाइन ऑफ जॉन नहीं होती, मतलब ब्लांड और नॉन लैमिनेटेड टाइप का ये होता है। ये लाइन ऑफ जॉन कैसी दिखाई देती है आप इस पिक्चर के अंदर देखिए। ये म्यूरल थ्रोम्बाई जो कि हार्ट के ऊपर दिखाई देती है, हार्ट में दिखाई देती है, हार्ट लेयर में। ये वेजिटेशन यानी वॉल्व लीफलेट पर दिखाई देने वाली थ्रोम्बाई ऑन हार्ट वॉल्स, वॉल्स पर दिखाई देती है। मैंने बताया था ना आपको म्यूरल थ्रोम्बाई और वॉल्व लीफलेट्स की, वेजिटेशंस की थ्रोम्बाई कार्डियक में दो तरह की होती है, बोला था मैंने। ये आर्टरियल थ्रोम्बाई कैसे दिखाई देती है। अब थ्रोम्बस का फेट जो मैंने आपको कहा, प्रोपागेशन, एम्बोलाइजेशन, डिसोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिकैनलाइजेशन। प्रोपागेशन स्लो ग्रोथ को कहते हैं। एम्बोलाइजेशन जब थ्रोम्बाइट डिसलॉज्ड हो जाता है अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पर, वेस्क्यूलेचर में चला जाएगा। डिसोल्यूशन या रिजोल्यूशन में फाइब्रिनोलाइसिस का प्रोसेस चलता है। ऑर्गेनाइजेशन और रिकैनलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में तो वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, रिकैनलाइजेशन में पास में एक वो बाईपास कैपिलरी बन जाती है। ओल्डर थ्रोम्बाई जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, जिसमें एंडोथेलियल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह वहाँ पहुँच जाते हैं। कैपिलरी का चैनल रीस्टैब्लिश होकर के ल्यूमन की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है, ये रिकैनलाइजेशन कहलाता है। ये इन्फीरियर वेना कैवा में इलियक वेन को बड़ा करके इसमें दिखाया गया, ये थ्रोम्बस्ड वेन है जहाँ की प्रोपागेशन हो रहा है हार्ट की तरफ, इसका मतलब स्लो ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो देखो रिजोल्यूशन पूरी तरह से ठीक हो गया, एम्बोलाइजेशन में लंग्स तक वो चला गया है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू वॉल, ऑर्गेनाइज होकर के वॉल के अंदर चला गया, और रिकैनलाइजेशन में पास में एक और ग्रोथ दिखाई दे रही होती है। तो ये फेट बताए गए हैं। बस इसके साथ ही आपका ये थ्रोम्बाई नाम का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।